आपको LAC वहां पर लिए चलते हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी की सबसे ऊंची रणभूमि से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आज के इस खास मौके पर आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे जज्बात इस कदर वाकिफ है मेरी कलम से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी एक बार लिख दिया जाता है। शहीद भगत सिंह की ये पंक्ति आज मैं आपको ले से इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों भगत सिंह जिंदा है, जो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने खून की हर कतरा निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ले से TV9 भारतवर्ष आपको इस खास कार्यक्रम में उन सभी जवानों की न सिर्फ शौर्य गाथा बल्कि उन सभी जवानों के वो संदेश सुनाएगा जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। और ये भी इसलिए जरूरी है कि आप ये समझ सकें कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश की निगाहें या फिर हमारे देश के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रखते हैं, उनके लिए ये संदेश कितना साफ और कितना कड़ा है। और आज इन्हीं जवानों के बीच से हम आपको वो सारी चीजें, वो सारी कहानियां, वो सारी चीजें आपको सुनाएंगे जो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। और जब पूरी दुनिया खास तौर पर भारत की क्षमताओं को और शक्ति को मानने लगी है तो उसी बीच ये जवान क्या सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं और इनका क्या कहना है, यह आपके लिए सीधा हम TV9 भारतवर्ष की टीम सीधा LAC के इलाकों के आसपास से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे। कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं और जब ये चलते हैं तो दुश्मन के दिल हलते हैं। आज हम आपको ले से यही कदमों की वो गर्राहट या फिर वो कदमों की आवाज आपको सुनाएंगे जिसके सुनने के बाद चीन पाकिस्तान जैसे देश भी अपने घुटने टेक देते हैं। आज खास पेशकश में सबसे पहले मैं आपको उन जवानों पे लेके जाता हूँ, उन लोगों को सुनाता हूँ जो आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। और आज सबसे पहले उन जवानों से ये बात कि आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, खास तौर पे जब हम बात करते हैं चीन के आपके एक्सपीरियंस की बात या फिर हम बात करते हैं कैसे दुनिया के जो लोग हमारे पास, आप क्या कहना चाहते हैं। लद्दाख से कोट एक ऐसा सैनिक है सर, यहाँ को ये यहाँ का पैदाइश है, इनको कोई दूसरे अगर रेजिमेंट से तुलना करेगा तो ये बहुत ही अच्छा इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं। इनको कोई क्लाइमेटाइज का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में निपटने के लिए, कोई भी काम निपटने के लिए सक्षम है। कैसी चुनौतियों का आप सामना करते हैं और कैसी चुनौतियों को आप दिन पर दिन देखते हैं? जैसे कि अभी लद्दाख पहले लद्दाख सिकोड ने 1984 में एक ऐसा इतिहास रची जो कि पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कदम रखा। चलते हैं हमारे उन जवानों के पास कि वो इन चुनौतियों पर, इन मुश्किलों पर क्या सुनाना चाहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप लोग हमको सुनाना चाहेंगे? तैंगडॉन साहब, जब इन चुनौतियों की बात करते हैं, हमारे दुश्मन देश हमेशा लगातार हमारी सीमाओं की पर देखे रखते हैं हमारी निगाहें, क्या कुछ चुनौतियां हैं? ये लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट है, हिंदुस्तान का सबसे पहला युवा इन्फेंट्री रेजिमेंट है। यही एकमात्र रेजिमेंट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक बहुत ही कम समय में हासिल किया है। सारे देशवासियों से ये
रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह आने वाले समय में सेना के ऊपर बने साथ बने रहे, सेना के ऊपर भरोसा करे। भरोसा करे यानी ये वो जवान है जो आपको भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी सीमा सुरक्षा पे तैनात है, यानी ना सिर्फ LAC LOC बल्कि, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ के जवानों ने 62 में बल्कि इसके बाद भी करगिल वॉर के अंदर, सियाचिन के अंदर और कई ऐसे समय के अंदर ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, या फिर आप क्या जहां पर आप अभी आप अगर अब क्योंकि यहां के जब हम यहां के शौर्य की बात कर रहे हैं तो यहां के शौर्य पर आप क्या गाना सुनाना चाहेंगे? जी मैं हमेशा ये कहता हूँ भारत देश के लिए अगली सांस तक लड़ते रहेंगे और इस भारत माँ के ऊपर आज भी नहीं हारेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब आप जवानों के घर परिवार की बात करते हैं तो ऐसा क्या है संदेश जो हम गाने के माध्यम से आप हमें सुनाना चाहेंगे? घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी ये घर सोना सोना है। जी हाँ, संदेश आते हैं और इन लोगों को याद दिलाते हैं, लेकिन याद इनके लिए सबसे पहली होती है इनकी मातृभूमि, और आज यहाँ से मातृभूमि को क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम आपको सीधे इन जवानों के मुंह से सुना रहे हैं और उन लोगों से जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए इन फॉरवर्ड लोकेशन पे बने रहते हैं। ये हमारी खास पेशकश आपको इसलिए जानने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए आपके लिए ज़रूरी थी क्योंकि आप समझ सके कि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे LAC के इन इलाकों से हमारे जवान क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। सब आपको 26 जनवरी पे भी हमने देखा था पिछले साल, और मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे 15 अगस्त पर? मैं स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, जो युवा आपको सुन रहे हो, जो जवान आपको सुन रहे हो? देश पर कोई भी संकट आने पर जब देश फौज के साथ में खड़ा हो जाता है तो जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है, जवान अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जान अभी देश की सुरक्षा के लिए निछावर करने के लिए जवान तैयार है? जी बिल्कुल। आपने सुना इन जवानों को इन इलाकों से, इन जगहों से जहां से ये बता रहे हैं कि कैसे ये जवान अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा यहां तैयार, और देशवासियों से सिर्फ एक ही बात कि आप जब हम यहां LAC पे खड़े हैं तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और ये बताते रहिए कि आखिरकार क्या है। और अब अगला चीज मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज पर। चाहे जान में ये रहे न रहे,
देश इनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आज जब इस विपरीत परिस्थिति में हमारा देश खड़ा हुआ है, जब लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश की सीमाओं में एक बार फिर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर हमारे देश की सीमाओं की तरफ देख रहे हैं, तो आप इनके साथ बने रहे, आप इनके साथ रहे, क्योंकि यही वो जज्बा और जुनून होता है जो इनको इन चुनौतियों से मुकाबला करने की सबसे ज्यादा शक्ति देता है। और आज हमने आप तक सारे वो संदेश पहुंचाए जो यहाँ ले से इस सरजमी से आप तक सुनने आप तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी थे, और ये वो लोग थे जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही कोई कितनी ही चुनाव कोई कितनी ही साजिश रच ले, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हमारी देश की सीमाओं की तरफ वो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये कदम ये जवान जब उन सीमाओं पर बने रहते हैं तो वहाँ तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर घुसने की कोशिश कर सके। ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। टीवी 9 भारतवर्ष देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि बिना इन जवानों के, बिना इनके जुनून के हम सुरक्षित नहीं। और आज ये संदेश पूरी दुनिया पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि आज ये जवान खुद आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे बता रहे हैं कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जय हिंद। तो सुमित की आपने रिपोर्ट देखी, और सुमित ये बता रहे थे कि किस तरीके से जवानों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद है कि दुश्मन वाकई में नजर